मेरा नाम देवता दिन खोरी है जी। आप क्षेत्र में भ्रमण करने हैं, आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है, मेरा सर्वप्रथम यह है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और यदि हमें टिकट नहीं देती पार्टी टिकट नहीं मिलता है तो हमें कोई विरोध नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जो भी चुनाव लड़ेगा उसको हम दिल से सभी लोग मिल करके जिताएंगे, हमारा उद्देश्य है। अपने क्षेत्र में क्या विकास करेंगे? अब विकास यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से तमाम कम से कम तीन बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। यहाँ से जो भी यहाँ से प्रत्याशी विधानसभा सदस्य होता है वही लोकसभा का चुनाव लड़ता है और जीतता है। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र में कहीं विकास हुआ ही नहीं है, सड़क एकदम टूटी हुई है, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ कोई देखने नहीं आता है। लेकिन यह है कि मैं जाता हूँ क्षेत्र में, लोगों से मिलता हूँ तो बड़ा सम्मान मिलता है, लोग बहुत दिल से आदर करते हैं और कांग्रेस की तरफ लोग मुखातिब होना चाहते हैं। और हम लोग ये ठान लिया है कि जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा, कांग्रेस में नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। जो भी कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र में हैं उनको सम्मान देते हैं, वो सम्मान हमको मिलता है, उनके दिल दिमाग में आ गया है कि कांग्रेस से बेहतर कोई पार्टी नहीं होगी। आप जनता के बीच में जाकर क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? वो खुद परिवर्तन चाहती है, जनता खुद चाहती है, चूँकि वो आजीज हो चुकी है इस बीजेपी सरकार से, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार भी है, महिला भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि मतलब जनता त्राहि त्राहि कर रही है, बिल्कुल उब चुकी है। वो विकल्प चाहती है कि भाजपा का विकल्प कौन है, और उनके समझ में आया कि भाजपा का विकल्प यदि है कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। भाजपा ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब बेटी ही नहीं रहेगी तो कहाँ से उसकी आबरू बचेगी? अब और भी मैं जानना चाहूँगा कि ये सड़कें जो दुरुस्त है गड्ढे मुक्त हुए कि नहीं हुए? ये तो गड्ढा इतना मुक्त हो गया है कि कोई शब्द है ही नहीं जिन शब्दों से उनको नवाजूँ, कि शायद 1 किलोमीटर की यात्रा कम से कम आधा घंटा पूरी करनी पड़ती है। आपके हिसाब से कैसी चल रही है योगी सरकार? सरकार हमारे हिसाब से कुछ भी ठीक नहीं है, किसी का कहीं कोई भला होने वाला नहीं है। आपके मायने में क्या लगता है कि जैसे कांग्रेस सरकार आएगी तो उत्थान होगा जनता का? बेशक उत्थान होगा। पिछले 60 सालों से कितना उत्थान हुआ था? पिछले साठ सालों में जो काम किया कांग्रेस ने वो आज भी सरकार बेच रही है। अच्छा जी, इतना काम किया कांग्रेस की सरकार ने, सुई से लेकर जहाज तक बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, गरीबों को हक दिलाने का काम कांग्रेस ने किया, भूमि अधिग्रहण का काम अभी राहुल गांधी जी ने दिलवाया वो भी कांग्रेस ने किया, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि सत्ता विहीन होना पड़ा कांग्रेस सरकार को? सत्ता विहीन होने का कारण ये रहा कि चूंकि यहाँ जो प्रत्याशी आते थे वो बाहर से डाल दिए जाते थे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ कार्यकर्ता हमारे बनाए गए थे वो पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं चलाए। जात पात पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के देख रहा हूँ मैं, जातवाद के पार्टियां बहुत बनी हुई है। कांग्रेस क्या करें? कांग्रेस पार्टी हमारी जातवाद की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी सभी की विचारधारा है। कांग्रेस एक विचारधारा है जो सबके साथ जुड़कर रहना चाहती है और हमेशा रही। योगी सरकार कहती कि कांग्रेस सरकार जो है वो परिवारवाद करती है। योगी सरकार का कहना गलत है, क्योंकि परिवारवाद आप देखना चाहें तो करीब करीब सभी पार्टियों में परिवारवाद मिलता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में परिवारवाद हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ योगी सरकार से कि जो RSS की सरकार चला रही, योगी सरकार ये गलत तरीके से चला रही। उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। आप किस विकास की बात करते हैं? आप जिस रोड पे निकल जाइए आपको गड्ढे मिलेंगे। विकास क्या हुआ है? जो पहले के स्कूल है बंद पड़े हुए, टूट गए, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उसमें छत टूटी है, क्या विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है। ये किसान छलावा है सिर्फ सरकार का। जो किसान आंदोलन कर रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन कर रही है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस उसके साथ है। हर संभव प्रयास किया जाएगा, किसान की सारी मदद की जाएगी, हम किसान के साथ हैं, किसान ही अन्नदाता है जो हम लोगों का पेट भरता है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने।